नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी कद्दू की सब्जी, बहुत कम समय में बनने वाली और सावन महीने में बनने वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टिफिन में आप ले जा सकते हो या फिर बिल्कुल दाल चावल के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कद्दू को लेना है। मैंने लगभग 250 ग्राम कद्दू को इस तरीके से बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। इसे आपको अच्छे से धो के लेना है। कद्दू की सब्जी के लिए लगने वाला इंस्टेंट वाला मसाला बनाते हैं। यहाँ मैंने 10 से 12 लहसुन कलियाँ और घिसा हुआ नारियल लिया है। लगभग हाफ कप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहे तो ये प्रोसेस मिक्सर में भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से आप थोड़ा सा उसे दरदरा पीस सकते हो। अब हम लगाते हैं तड़का। ये बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रेसिपी है। कढ़ाई में आपको 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबलस्पून मूंग की दाल, या फिर आप उड़द की भी दाल ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबलस्पून जीरा और 1/2 टेबलस्पून राई। दोनों अच्छे से तड़कने के बाद हमें ऐड करना है हमने पीसा हुआ नारियल और लहसुन का पेस्ट। इस तरीके से आपको मीडियम हाई फ्लेम पर मसाले को अच्छे से भून लेना है। जब आप इस मसाले को अच्छे से भूनते हो तो पूरे घर में नारियल की खुशबू फैल जाती है। इससे हमारी जो सब्ज़ी है इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। ये ऑप्शनल है क्योंकि हम रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए मैंने 2 हरी मिर्च को इस तरह से लंबा काटते हुए ऐड किया है। अगर आप सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको लहसुन के पहले ही हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेना है और उसके बाद नारियल का क्रश ऐड करना है। इस तरीके से 2 मिनट में वो अच्छे से भून जाता है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम लो करते हुए हमें इसमें ऐड करना है लाल मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे मैंने लगभग 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल किया है। आपके तीखे के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा हरा धनिया भी आपको इसमें ऐड कर देना है ताकि जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। बिल्कुल 1 मिनट के बाद आपको ऐड कर देने हैं कद्दू के पीसेस। मैंने कद्दू के जो पीसेस है इनके ऊपर के जो छिलके हैं वो निकाले नहीं है, क्योंकि वैसे भी कद्दू को पानी छूटने के बाद वो अच्छे से कुक हो जाता है, इसीलिए आपको उसके ऊपर के जो स्किन है उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो उसे निकाल भी सकते हो। स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हुए सारे मसालों को आपको कद्दू के साथ मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से कद्दू के टुकड़े के साथ मिक्स कर लेने हैं। इस तरीके से आपको सारे मसाले और कद्दू के पीसेस मिक्स करने के बाद आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है और उसे कवर कर देना है और लगभग 5 से 7 मिनट आपको उसे अच्छे से कुक कर लेना है। 5 मिनट के बाद आपको बीच में एक बार सब्जी को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो जो पानी है उसे छूटने लगा है, फिर भी आपको इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें अगर ये सब्ज़ी थोड़ी सी ड्राई ड्राई लगेगी तो हमें इसे थोड़ा सा पानी का तड़का लगाना है ताकि जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। वैसे भी कद्दू को पानी छूटता ही है, लेकिन अभी इस समय थोड़े मसाले जल सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करने के बाद आपको सारी सब्जियों को मिक्स कर लेना है और वापस गैस की फ्लेम लो करते हुए उसे कवर करते हुए आपको वापस से 5 मिनट के लिए उसे कुक कर लेना है। आप देख सकते हो बिल्कुल 5 मिनट में हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। वो अच्छे से मैश भी हो गई है और अच्छे से कुक भी हो गई है। उसे तेल जो है वो भी छूटने लगा है। इस तरीके से हमारी बिल्कुल 10 मिनट में कद्दू की सब्ज़ी बनके रेडी होती है। टिफिन के साथ या फिर पराठे के साथ गर्मा गर्म आप इसे सर्व करो और उसे एंजॉय करो। सावन के महीने में कद्दू की सब्ज़ी बनाने का महत्व है, इसीलिए इस बार इस सावन में आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और टिफ़िन के लिए भी ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट होती है, ड्राई रेसिपी है, इसलिए लीकेज का भी कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू।